कृष्ण आ गया, ना ना कृष्ण का अनुचर है भाई, गऊओं ने घेर लिया, ब्रजवासियों ने घेर लिया उद्धव को। उद्धव संदेश लेकर गए थे, उपदेश लेकर गए थे, आदेश लेकर गए थे, शिक्षाएं लेकर गए थे, और वह ज्ञान उनका धराशायी हो गया, क्योंकि वो पहले से ही परिपक्व थे भक्ति में, ज्ञान में, वो योगी थे, वो सिद्ध थे, सत्पुरुष थे, वे सारे के सारे तत्वदर्शी थे, वे सब, वो इतने सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक, वो इतने अल्लड़। इसलिए उद्धव वहां से कुछ सीखकर ही आए। बहुत पहले कभी कर्पात्री जी महाराज ने एक कथा की, अब यह तो मुझे पता नहीं, कोई बता रहे थे, वो कथा कहां हुई इसका तो मुझे ज्ञान नहीं, पर जिन्होंने वो कथा सुनी वो मुझे सज्जन बता रहे थे। कर्पात्री जी ने कहा कि उद्धव को भगवान ने इसलिए भेजा ब्रज में कि उद्धव में खाली ज्ञान न रह जाए, भक्ति की सरसता भी हो, तभी उद्धव भागवत की कथा कह पाएंगे, क्योंकि उद्धव भगवान की उत्सव मूर्ति, और उत्सव बिना सरसता की नहीं होगा, उत्सव में सरसता चाहिए, रंगोली अल्पना, नृत्य गीत, संगीत, इसे उद्धव वहां पूजे जाते हैं। आप जाएं भगवान के दर्शन करने बद्रिकाश्रम में, तो बद्रिकाश्रम में जो भगवान की उत्सव मूर्ति है, जो उत्सव विग्रह है, वो उद्धव ही है। इत्यादिष्टा मया लब्धा विदुता शेष कल्मषा। अरे उद्धव जा, अपने माथे पर इस भागवत को रख कर ले जा, और जैसे ही तुझे अलग अलग करंदा दिखेगी तो तेरे विदुता शेष कल्मषा, तेरे सारे कल्मशों का अंत हो जाएगा, और तू वहां रहना उत्सव बनकर, तो सरसता रहनी चाहिए। कई बार ज्ञान में शुष्कता रहती है, तो भगवदीय रस बना रहे, इसलिए उद्धव को भगवान ने ब्रज में भेजा।